पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होने के बावजूद अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इस बार फिर से उसने भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश उसे ही उल्टी पड़ गई। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने दोबारा से भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सख्ती और रूस की झाड़ के बाद इस्लामाबाद के होश ठिकाने तो आ गए होंगे। दरअसल पाकिस्तान ने इस बैठक में एक काल्पनिक नक्शा पेश किया और उसमें भारत की जमीन को भी अपना बता दिया। पिछले काफी समय से वो इस झूठे नक्शे को प्रसारित कर रहा है। इस बात का भारत ने विरोध भी जताया था, लेकिन पाकिस्तान तो हर जगह अपना प्रोपेगेंडा लेकर आ जाता है और इस बैठक में भी उसने ऐसा ही किया। पाकिस्तान के इस नक्शे के बाद NSA डोभाल ने काफी सख्ती दिखाई। पड़ोसी देश के इस काल्पनिक नक्शे का विरोध करते हुए उन्होंने मीटिंग तक छोड़ दी। बताया जा रहा है कि NSA डोभाल के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के पाकिस्तान के नक्शे का जोरदार विरोध किया गया। इतना ही नहीं, बैठक की अध्यक्षता कर रहे रूस ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से झाड़ लगा दी, उसे नक्शा दिखाने से रोकने की पूरी कोशिश की। रूस ने ये उम्मीद भी जताई कि पाकिस्तान की इस उकसावे की कार्रवाई से भारत का SCO में भागीदारी पर असर नहीं पड़ेगा। खबरें आ रही हैं कि रूसी महासंघ की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सचिव निकोलाई प्रतुशेव ने ये संदेश भिजवाया है कि पाकिस्तान ने जो किया रूस उसका समर्थन नहीं करता और आशा करता है कि पाक का भड़काऊ बर्ताव शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सहभागिता पर कोई असर नहीं डालेगा और न ही ये पत्रुशेव के भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ के व्यक्तिगत संबंधों पर कोई असर डालेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले महीने ही एक नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था और अब पाकिस्तान ने SCO की बैठक में बैकग्राउंड इमेज के तौर पर इस नक्शे का प्रयोग किया। जब अजीत डोभाल ने इस बैठक को छोड़ दिया, उसके बाद भारत ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोईद यूसुफ ने जानबूझकर नक्शे को प्रमोट किया। ये मेजबान देश के आग्रह की नाफरमानी थी और इसमें मीटिंग के नियमों की अवहेलना की गई। श्रीवास्तव ने कहा कि जैसे कि उम्मीद थी, इसके बाद पाकिस्तान ने बैठक में भारत के खिलाफ चाले चली और भ्रामक विचार रखे। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान का अभी कोई आधिकारिक रूप से नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नहीं है। मोईद यूसुफ इस तरह की बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से पहले यूसुफ ने ट्वीट किया था, विचित्र ढंग से मेरे भारतीय समकक्ष ने पाकिस्तान और रूस के भाषण से वॉकआउट किया। इसने मंच पर खराब अनुभव छोड़ा, जिसकी पूरी भावना सहयोग है, लेकिन पाकिस्तान इस बैठक में बात तो करने आया था शांति समृद्धि की, लेकिन चला दिया अपना प्रोपेगेंडा और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। अजीत डोभाल ने मीटिंग तो छोड़ी ही, साथ ही रूस ने भी कह दिया कि ऐसी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता, वो बार बार अपनी बेइज्जती कराने पर उतारू है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।